चार साल विकास के, प्रगति और विश्वास के। देश की जनता ने एक आशा और विश्वास के साथ देश की बागडोर श्री नरेंद्र मोदी के हाथ में सौंपी थी और आज देश की जनता को गर्व है कि देश की अगुवाई एक ऐसा करिश्माई नेता कर रहा है जिसने दुनिया भर में भारत के प्रति सोच को बदला है। सामान्य मानवी के विकास और अंत्योदय के प्रण के साथ बनी मोदी सरकार ने बीते चार सालों के दौरान कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो कि न्यू इंडिया के निर्माण के सपने को साकार करने में अति महत्वपूर्ण है। लेकिन 48 महीने पहले तक हालात ये नहीं थे। एक परिवार के कब्जे में रही सत्ता के 48 सालों के दौरान इस देश में 18,000 से अधिक गांवों में बिजली नहीं थी। करोड़ों की संख्या में ऐसे परिवार थे जिनके घरों में शौचालय नहीं था। करोड़ों गरीबों के लिए बैंक के दरवाजे बंद थे। किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम नहीं मिलता था और देश पॉलिसी पैरालिसिस के दौर से गुजर रहा था। देश में नित नए हजारों करोड़ के घोटाले सामने आ रहे थे। मई 2014 से भारत की एक अपूर्व विकास यात्रा शुरू हुई है जिसके तहत 48 सालों के अटके हुए कामों को न केवल पूरा किया जा रहा है बल्कि विकास के नए मानक भी स्थापित किए जा रहे हैं। मोदी सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए पूरी तरह से केंद्रित है। बीते चार सालों में सरकार की ओर से कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं जो कि किसानों की दशा और खेती की अर्थव्यवस्था के लिए अति लाभकारी हैं। अनुसूचित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी लागत से 1.5 गुना अधिक देने का अभूतपूर्व निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से सालों से अटकी हुई करीब 100 सिंचाई योजनाओं को भी तीव्र गति से पूरा किया जा रहा है। देश भर में 3.5 करोड़ से अधिक किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभान्वित हुए हैं और 12.5 करोड़ से अधिक किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। चार साल पहले तक देश में 18,500 से अधिक गाँव ऐसे थे जो कि आजादी के बाद भी बिजली विहीन थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2015 को अगले 1000 दिनों में इन गांवों को रोशन करने का संकल्प लिया और तय लक्ष्य से 12 दिन पहले देश के ऐसे सभी गांवों को बिजली से जोड़ दिया गया। सरकार का लक्ष्य अब सौभाग्य योजना के जरिए वर्ष 2019 तक देश के हर घर तक बिजली पहुंचाने का है। इतना ही नहीं, आम लोगों के जीवन में उजाला लाने के लिए सरकार की ओर से उजाला योजना चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत देश भर में सस्ती दर पर 30 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं। पूजनीय महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर उन्हें स्वतंत्रता और स्वच्छता में से किसी को पहले चुनना होगा तो वो स्वच्छता को चुनेंगे। बापू के स्थापित किए आदर्शों का अनुसरण करते हुए मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की जिसके अंतर्गत ग्रामीण भारत में 7.15 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। 2014 से पहले देश के करीब 19% स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस कमी को दूर करने का प्रण लिया और आज देश के सभी सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालयों की सुविधा उपलब्ध है। सरकार के इन प्रयासों और जन भागीदारी से देश में स्वच्छता के दायरे में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। स्वच्छ भारत के साथ साथ मोदी सरकार का सपना स्वस्थ भारत बनाने का भी है जिसके लिए मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का खाका तैयार किया है। इस योजना के तहत देश के 50 करोड़ लोगों को इलाज पर खर्च के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों तक पहुँचाने और दवाइयों को सस्ता करने की दिशा में बीते चार सालों के दौरान मोदी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार की ओर से 50 से अधिक जीवन रक्षक दवाइयों के दामों में 50% से अधिक की कटौती की गई है। देश भर में 3500 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए हैं जहां से लोग सस्ती दर पर दवाइयां ले सकते हैं। इतना ही नहीं, देश में मेडिकल शिक्षा की सीटों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है। आजादी के 67 साल बाद भी देश के करोड़ों लोगों के पास बैंक खाता न होना सामाजिक अन्याय का एक बड़ा परिचायक था। इस असमानता को दूर करने के लिए
सरकार ने जन धन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 31 करोड़ से अधिक लाभार्थियों ने बैंक में 81,000 करोड़ से अधिक की धनराशि जमा की है। युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने के लिए मुद्रा योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत 2 करोड़ 16 लाख से ज्यादा दलित लाभान्वित हुए हैं। आज हम महिलाओं के विकास से आगे बढ़कर महिलाओं के नेतृत्व में विकास की दिशा में अग्रसर हैं। सरकार की बहुआयामी योजना मुद्रा के तहत 9.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को ऋण देकर आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया गया है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली लगभग 4 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देकर उनको धुआं मुक्त रसोई देने का काम मोदी सरकार ने किया है। कामकाजी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए सरकार ने ऐसी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया है। दुनिया में कुछ ही देश ऐसे हैं जहां महिलाओं के लिए 26 सप्ताह की छुट्टी का प्रावधान है। मोदी सरकार की ओर से युवाओं के लिए भी कई अभिनव योजनाओं को शुरू किया गया है। स्वरोजगार और युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं को शुरू किया गया है। इसके अलावा युवाओं के कौशल विकास के लिए सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को शुरू किया गया। इतना ही नहीं, खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए 1,756 करोड़ रुपए की राशि से खेलों के लिए बुनियादी सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। बीते 4 सालों के दौरान जहां एक ओर मोदी सरकार के कुशल नेतृत्व में देश नई बुलंदियों को छू रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। वर्ष 2014 के बाद देश में हुए लगभग सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। ये जनता के भाजपा नेतृत्व में विश्वास का ही परिणाम है कि आज देश भर में भाजपा के पास 1,518 विधायक हैं, जो कि बीते 25 वर्षों का किसी भी राजनीतिक दल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। भाजपा ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक अपने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया है। देश भर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जनता की आस्था बढ़ी है और लोग पार्टी को दिल खोलकर आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का देश के प्रति समर्पण और भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का ही परिणाम है कि आज देश जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए अंत्योदय के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। सबका साथ सबका विकास के सूत्र से न्यू इंडिया का निर्माण हो रहा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम।